अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक क्रोशे स्क्रबी बनाना सिखाऊंगी टू कलर्स के यार्न के साथ। इसके लिए हमें टू डिफरेंट कलर के यार्न, 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक और कटर चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद क्रोशे हुक की मदद से हम चेन्स बनाएंगे। चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4। 4 चेन्स बनाने के बाद हम फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। चेन 1, चेन 2। 2 चेन्स बनाने के बाद हम सर्कल के अंदर डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3, डबल क्रोशे 4, इसी तरह से हम टोटल 12 डबल क्रोशेज फर्स्ट राउंड के लिए बनाएंगे। मैंने 12 डबल क्रोशेज बना लिए हैं। इसके बाद हम फर्स्ट डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करने से हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे सिंपल, और इसी स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशे है उसके अंदर हम पहले सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम उसी डबल क्रोशे स्टिच के अंदर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम पहले सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद उसी स्टिच के अंदर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। एक सिंपल डबल क्रोशे स्टिच और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच एक ही डबल क्रोशे स्टिच के अंदर बनाते हुए हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशेज बनेंगे। मैंने अपने 24 डबल क्रोशेज बना लिए हैं। राउंड को एंड करने के लिए हम फर्स्ट डबल क्रोशे है जो है उसको चेन यार्न के साथ स्लिप स्टिच करेंगे उसके अंदर, क्योंकि अब हमने यार्न का कलर चेंज करना है तो हम चेंज यार्न के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ग्रीन कलर के यार्न को थोड़ा सा पुल ओवर कर लेंगे। उसके बाद चेन 2 बनाएंगे और चेन 2 बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद दोबारा एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। सेम स्टिच के अंदर 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर, जो कि हमारी फ्रंट पोस्ट स्टिच थी, इसके अंदर हम अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच हमारी सिंपल स्टिच थी, उस स्टिच के अंदर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। दूसरे यार्न को अंदर की साइड पर ही रखेंगे जो स्टार्टिंग का था। इस स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच है उसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच ही बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशे 2 टाइम्स बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। इसी तरह से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा थर्ड राउंड है। मैंने अपना थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमने अगेन यार्न का कलर चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम ग्रीन यार्न जो हमने पहले नहीं काटा था उसको ऊपर की साइड पे ले आएंगे और इस चेंज कलर के यार्न से फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच जो है
राउंड की स्टार्टिंग की, उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। दूसरे यार्न को हमने अंदर की साइड पर ही रखना है ताकि उसे अलहदा से नीट ना करना पड़े। हर एक स्टिच के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशे स्टिच हमने हर एक डबल क्रोशे स्टिच के अंदर बनानी है। इसी तरह से सिंगल क्रोशे स्टिच हर डबल क्रोशे के अंदर बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। चेन कलर के यार्न को अंदर की साइड पर ही रखते हुए चंद स्टिचेस बनाने के बाद हम इस चेंज कलर के यार्न को कटर की मदद से कट कर लेंगे। और सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक डबल क्रोशे स्टिच के अंदर बना लेंगे। मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच जो है उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यार्न को थोड़ा सा पुल ओवर कर लेंगे और इसे कटर की मदद से काट लेंगे। इसके बाद क्रोशे हुक की मदद से हम यार्न को चंद स्टिचेस के अंदर से गुजारेंगे। मैंने चंद स्टिचेस के अंदर से गुजार लिया है स्टार्टिंग का, और एंडिंग का जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम कट कर लेंगे। और इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी क्रोशे स्क्रबी तैयार है। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।